अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन का सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है मीठे के हवाले से। आज जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वो है बेसन की बर्फ़ी, और ये बहुत ही मज़े की बनती है। और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें जो सी मतलब मिठाई और मतलब अच्छी लगती हैं खाने में। तो आज हम आपको जो बनाना सिखा रहे हैं बेसन की बर्फ़ी, ये कैसे बनेगी, बहुत मज़ेदार सी बनती है, मीठी सी है, थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाएगा और मीठा खाने को दिल करे तो आप इसको ज़रूर बनाएँ। और हमें अपनी फीडबैक दीजिएगा कि जो से हमने आपको आसानी से बनने वाली बर्फ़ी आज सिखाएंगे वो आपको कैसी लगती है। तो बिना टाइम ज़ाया किए मम्मा से पूछते हैं कि मज़ेदार सी जो सी बर्फ़ी है वो कैसे बनेगी। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने घी ले लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने एक पाव नहीं, ये एक कटोरी है ना, तो इसके हिसाब से आधी कटोरी मतलब मैंने घी ले लिया, ठीक है, आधी कटोरी मैंने चीनी ले ली है, थोड़ी सी इलायची है, ये कुटी भी डालूंगी, हाँ जी, ये जर्दे का रंग डालूंगी, मतलब अच्छा। वो चाश पकाऊंगी ना, चाशनी, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हाँ। चाशनी में डालेंगे जर्दे का रंग आप, हाँ जी, चाशनी में जर्दे का रंग, हाँ जी, रंग डालेंगे। तो आप लोगों ने व्यूवर्स देखना है कि मज़ेदार सी जो सी ये रेसिपी कैसे, लेकिन लेकिन मम्मा मुझे भी समझ लगी, मतलब आपने ये घी रखा हुआ इसके अंदर आप क्या पहले चाश क्या तैयार करेंगे? नहीं, इसमें ना बेसन डाल के ना भूनूंगी 15-20 मिनट हल्की आँच पे, अच्छा, तो फिर मैं ना पानी में ना ये चीनी डाल के ना थोड़ा सा, हाँ जी, थोड़ा सा जर्दे का रंग, इलायचियां डाल के ना उसकी चाश बनाऊंगी। अच्छा, तो आपने मतलब दो जगह पे इसको तैयार करना है, एक तो यहाँ पे आपने इसको मतलब बेसन को डाल के भूनना है और वो जो चीनी है उसकी आपने चाशनी तैयार करनी है। हाँ जी, वो इसमें डाल दूंगी फिर, वो आपने डाल देना, ठीक है। तो व्यूअर्स, इसको हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं मज़ेदार जो बेसन की बर्फी है वो कैसे तैयार होगी। तो हम लोगों ने अब घी को हल्का सा गर्म कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो सा बेसन है करीबन एक कटोरी हम लोगों ने बेसन की ली है। आप लोग इसको मतलब जितना हमने आपको एक आइडिया दिया है चीज़ों का, अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो उसके हिसाब से आप इसकी रेशो ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर कम तो वो आप कम, मतलब इससे कम आप क्या बनाएंगे, मतलब एटलीस्ट एक कटोरी तो आप बनाएंगे तो वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको भून रहे हैं, अच्छी तरह हम लोगों ने भून लेना है, तो बहुत मज़े की ये बनती है बर्फ़ी बेसन वाली। तो सर्दियों में तो अच्छी लगती है सर चीज़ें जो सी, मतलब रात को अगर आपने कुछ मीठा खाना हो या गर्मा गर्म चीज़ें इस तरह की चीज़ें, तो हम लोगों ने आज सोचा कि आज आपको मीठे के हवाले से एक रेसिपी शेयर कर दें। इससे पहले भी हम लोगों ने आपको बहुत सारी जो सी है मीठे की रेसिपी शेयर की हुई, आपको सिखाया हुआ है, तो आप लोग हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मज़ेदार से जो सी हमने आपको जहाँ पर स्पाइसी स्पाइसी डिशेज़ सिखाई हुई हैं वहाँ पर हमने आपको मीठे के हवाले से भी बहुत सारी डिशेज़ आपके साथ शेयर की हुई हैं। हाँ जी, इसे भूनते हैं हल्की आँच पे ना। तो अभी हम लोग इसको भून रहे, तो आप लोग वेट करें, आपको दिखाते हैं। बस आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखना मज़ेदार से जो सी बेसन की बर्फ़ी है, होम मेड बेसन की बर्फ़ी आप घर में आसानी बनाना सीख सकते हैं। और आज कुकिंग विद नाज़नीन में आप लोग जो है वो बर्फ़ी ही सीख रहे हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और अपनी फीडबैक दीजिएगा। अच्छी तरह हिलाते रहना इसे, मतलब लगे ना ये घी खुला डाला है मैंने, देखो माशाल्लाह बहुत उम्दा आ रही है। अभी ना 10-12 मिनट और भूनूंगी हल्की आँच पे, क्योंकि कच्चा नाना रहे ये बेसन, बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। और इसलिए हम लोगों ने सिंपल बेसन ही घी के अंदर डाला है, कोई हम लोगों ने इसके अंदर चीज़ नहीं डाली, ना कोई खुशबू, ना कोई हम लोगों ने वैनिला एसेंस या कोई ऐसी चीज़, कोई इलायची वगैरह भी हमने नहीं डाली, सिर्फ हम इसको भून रहे हैं और भुनाई के दौरान ही बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और आप देखें इसको, इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। इसको मज़ीद और थोड़ी देर के लिए हम इसको भूनते हैं, और हम लोगों ने चाशनी जो सी है वो तैयार होने के लिए रख दी है। ये देखे ना, ये पक रहा है, चाशनी में हम लोगों ने फूड कलर भी ऐड कर दिया है, और जो हमने इलायची है वो भी उसमें हमने शामिल कर दी। हाँ जी, उसमें डाल दी, क्योंकि इसमें मेवा नहीं डालता ना इतना, लेकिन मतलब अगर डालना होगा, मतलब डेकोरेट करना हो पर बादाम पिस्ता वो बाजार वाली जो पीली बर्फी होती है वो ऐसे ही तो होती है दुकानदार। हाँ ठीक है, तो आज हम आपको हलवाइयों वाली जो सी बर्फी है घर में बनाना सिखा रहे हैं, तो आप लोग खुश हो जाएं, अब आप लोग घर में आसानी जो बेसन की बर्फी है वो बना सकते हैं। इसको मजीद भूनते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं। तो हम लोगों ने व्यूअर्स जो सा पहले बेसन अच्छी तरह से भून लिया, बेसन जब हमारा अच्छी तरह से भुना गया तो उसके बाद हम लोगों ने जो सी ये
चाश, चाश जो सी थी वो तैयार करके इसके अंदर डाल दी है। तो ये पकना शुरू हो गया, फिर ये फूल भी गया देखें। अब मजीद और पकाना है इसे? हाँ जी, ये पकाना है, इसका पानी निकालना है इसमें। ओके, तो मतलब हम लोगों ने कहते जब चाश ऐड कर दी है तो उसके बाद फिर इसके हम लोगों ने पकाना है। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं और खुशबू बहुत उम्दा आ रही है। मिठाई में नहीं होती ये पीली सी बर्फ़ी, ये वो है बेसन वाली, बेसन की बर्फ़ी। तो आप लोग घर में बनाना सीखें बेसन की बर्फ़ी। ये देखो वाह मुसलसल। अच्छा ये आप लोग नोट कर सकते हैं व्यूवर्स कि जब से हम लोग उसको बना रहे हैं इसको मुसलसल हम चम्मच हलाते जा रहे हैं, हलाते जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने चम्मच को हलाना छोड़ दिया तो वो फिर वो लग जाएगा। हाँ, इसलिए मुसलसल इसे हलाना है। और वैसे भी जो मतलब मिठाइयाँ बनाई जाती हैं उनका यही एक रूल होता है कि आपने उनको मुसलसल हलाना होता है वरना वो लग जाती हैं। इसको जमने के लिए रखेंगे हम लोग, फ्रिज में रख सकते हैं ना? वैसे मैं रूम बाहर भी, हाँ जी बाहर भी जम जाएगा, अगर आपने जल्दी करना है तो फ्रिज में रख दें। वाओ अमेजिंग, कितना प्यारा लग रहा है ये। थोड़ा सा ये देखने गाढ़ा हो गया। हाँ जी, बस थोड़ा सा और करके ना फिर इसे ना जमाते हैं, निकाल लेते हैं इसे, इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। फिर इसे हम लोग मतलब जब ये जम जाएगा सख्त हो जाएगा फिर इसको हम लोग उसके पीसीस में काटेंगे जो बर्फी के मतलब शेप होती है। हाँ जी, हाँ जी अब निकालते हैं प्लेट में। ठीक है, तो मतलब ये बिल्कुल हमारा डन हो गया है, हम हाँ उसको निकाल लिया है। अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं हमने इसको जमने के ढकना, क्योंकि ये फाइनल अभी नहीं हुआ। हाँ जी, तो अब हम लोग इसको डिश आउट कर रहे हैं। हम लोगों ने उसको फ्लैट बर्तन में निकाला क्योंकि हम लोगों ने बाद में इसके पीसीस काटने भी हैं। तो अभी ये पक गई है लेकिन हम लोगों ने इसको ठंडा करने के बाद इसके जो पीसीस हैं मतलब जो बर्फी है उस शेप में इसको काटना है। तो उसके लिए ये कि हम तो रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं ठंडा होने के लिए, तो तकरीबन क्योंकि सर्दियाँ हैं जल्दी ठंडा हो जाएगा ये, लेकिन अभी जमना शुरू हो गया ये। हाँ, क्योंकि सर्दी है, विंटर का सीजन है तो ये बहुत ईजी है। सॉरी। अच्छा, तो हम लोगों ने इसको निकाल लिया, इसको हम थोड़ा सा फ्लैट करके फिर इसको हम लोग काटेंगे। हाँ जी, तो अगर लगाना हो तो कोई बादाम किस्ता हम लोग इस पे मतलब नहीं, वैसे बाजार वाले तो नहीं लगाते, तो इसको थोड़ा सा फ्लैट ना करें। हाँ जी, वो करते हैं। वाओ बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ये भी थिक थिक सी है। नहीं थोड़ा सा पिलाना नहीं है इसको ऐसे? नहीं नहीं, वो मोटा मोटा सा रहेगा ना, बहुत ब्रीक हो जाएगा ना वो, क्योंकि हमारे पास कौन सा सांचा है, तो उनके पास तो सांचे होते हैं ना, वो सांचे में डाल देते हैं तो शेप आ जाती है। जी, तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि अब हम लोग इसको बिल्कुल फ्लैट कर लिया है, मतलब फ्लैट नहीं मतलब इसकी जो शेप है उसको हम लोगों ने अच्छा सा इसको इक्वल सा कर लिया है। तो हम लोगों ने अब ये है कि इसको काट लेना है, क्योंकि अगर हम लोगों ने इसको फ्रिज में जमने के लिए रख दिया तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसको काटना, बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो जाएगा। तो अभी हम इसके ऊपर कट्स लगा लेते हैं, तो फिर जब ये जम जाएगी तो उसके जो पीसीज होंगे उनको सेपरेट करके हम इसको डेकोरेट करके आपको दिखाते हैं। तो अभी ये भी आप इसका लुक देख लें कि ये हम लोगों ने इसको तैयार कर लिया, अब हम लोग इसके ऊपर कट्स लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर आप इसको इसके ऊपर मेवा डालना चाहते हैं मतलब बादाम पिस्ता या व्हाटएवर तो आप लोग वो डाल सकते हैं, अदरवाइज मतलब जो हलवाइयों की होती है वो तो प्लेन ही होती है, लेकिन अगर चाहे तो आप लोग उसके ऊपर इसके किसी भी नट्स के साथ से गार्निश कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग कर्ट्स लगा के चाहे आप उन पीसीज के ऊपर रख लें या इस तरह आप रख लें, लड्डू भी बना सकते हैं, वैसे मतलब बर्फ़ी तो बर्फ़ी की शेप में इसको काटना चाहिए। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर हम लोगों ने कर्ट्स लगा लिए हैं। तो अब हम लोगों ने इसको जो है इसको यहाँ पे नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लेफ्ट कर देना है इसको ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो जो मैंने कर्ट्स लगाए हैं इसकी इसी शेप में जो हमारी ये बर्फ़ी है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो अभी हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए रख रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि जो उसका फाइनल लुक वो क्या होगा। जी, तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि जो सी आज की हमारी रेसिपी थी हम लोगों ने आज आप लोगों को जो बनाना सिखाया है वो है
बेसन वाली बर्फ़ी। तो ये जी बर्फ़ी बिल्कुल हम लोगों ने अब इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दिया ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा होगी तो उसके आप लोगों के सामने मैंने जो इसके अंदर पहले कर्ट्स लगा लिए थे, अब उनके मुताबिक जब वो ठंडा हो गया तो मैंने उसको निकाल के यहाँ पर डिश आउट कर दिया इसको। तो ये देखिए मज़ेदार सी जोन सी हमारी बेसन की बर्फ़ी है वो तैयार हो गई है। तो ये देखिए इसकी शेप भी बिल्कुल अच्छी है और ये ईजीली वहाँ से रिमूव भी हो गई है क्योंकि ठंडी हो गई थी। तो आप लोग को इसको इसको आप लोग इसको बनाएं और हमें अपनी फीडबैक दें कि मज़ेदार सी जोन सी बेसन की बर्फ़ी, जो हलवाइयों वाली बर्फ़ी जो आप लोग दुकानों से लाकर खाते हैं, वो हमने आपको घर में बनाना सिखा दी है। तो उम्मीद करते हैं कि व्यूवर्स आपको हमारी आज की जो सी रेसिपी है बेसन वाली बर्फ़ी वो पसंद आएगी। पसंद आया तो हमें अपनी फीडबैक दें, इसके साथ साथ हमारे चैनल को क्योंकि नाम को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।